तो आज के इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात करने वाले हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने निफ्टी 50 का मंथली का चार्ट ओपन किया हुआ है और यहाँ पर हम एंकर वीवीएफ नाम के एक इंडिकेटर के बारे में बात करने वाले हैं। और आप में से बहुत सारे लोगों ने इस इंडिकेटर का नाम पहले नहीं सुना होगा और इस इंडिकेटर का यूज हम यहाँ पर पोजिशनल ट्रेड लेने के लिए करने वाले हैं। तो ये इंडिकेटर एक एवरेज प्राइस है एंड यहाँ पर इस इंडिकेटर की प्राइस को ब्रेक करना लगभग नामुमकिन है। तो इसी वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आपको उसका एक एग्जांपल भी देने वाला हूँ और इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करके आप यहाँ पर किसी भी स्टॉक को बहुत ही कम प्राइस पर बाय कर सकते हो और उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर आप अपना पैसा डबल या फिर ट्रिपल भी कर सकते हो। तो वीडियो का कोई भी पार्ट बिल्कुल मिस मत करना एंड अगर आपको यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ पर इस वीडियो को 2 बार या फिर 3 बार देख सकते हो एंड उसके बाद भी आपको यहाँ पर कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे टेलीग्राम के अंदर मैसेज कर सकते हो। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो को। तो यहाँ पर हमको सिंपली स्टडीज के अंदर आ जाना है। स्टडीज में आने के बाद हमें यहाँ पर एंकर वीवीएफ नाम का ये इंडिकेटर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली ये इंडिकेटर बोलेगा कि आपको यहाँ पर कौन सा डेट डालना है। तो यहाँ पर हम पहले जान लेते हैं कि आपको यहाँ पर एंकर वीवीएफ कौन से डेट को सेट करना है। तो यहाँ पर हमको इस इंडिकेटर को मैक्स फियर जोन के अंदर सेट करना है, यानी कि हमको यहाँ पर उस डेट को इस इंडिकेटर को सेट करना है कि जहाँ पर बहुत ज्यादा लोग डरे हुए हो एंड मार्केट के अंदर क्रैश आया हो। तो यहाँ पर हम पहले जानते हैं कि यहाँ पर हम मैक्स फियर जोन किसे कहेंगे। तो आपको यहाँ पर पता होगा कि यहाँ पर 2008 के अंदर मार्केट में एक बहुत बड़ा क्रैश आया था। तो हमको यहाँ पर 2008 के अंदर आ जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2008 के अंदर एक बहुत बड़ा क्रैश आ चुका था और यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे और अपना पोर्टफोलियो बेच रहे थे। तो हम यहाँ पर इसी को ही मैक्स फियर जोन बोलेंगे। तो हमको यहाँ पर देख लेना है कि यहाँ पर 2008 के अंदर सबसे ज्यादा लोग किस तारीख को लगा है। तो आप यहाँ पर इस कैंडल को देख सकते हैं, यहाँ पर 2008 के अंदर 1 अक्टूबर 2008 को सबसे ज्यादा लो लगा हुआ था। तो हमें यहाँ पर इस इंडिकेटर को 1 अक्टूबर 2008 के दिन सेट कर देना है। तो हमें यहाँ पर इस इंडिकेटर की सेटिंग के अंदर आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर डेट पर क्लिक कर देना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पर 2008 सेट करना है। तो यहाँ पर हम 2008 को सेट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर अक्टूबर मंथ को सेट करेंगे एंड उसके अंदर 1 तारीख को हम यहाँ पर सेट कर देंगे। तो यहाँ पर ये एंकर सेट हो चुका है तो हम यहाँ पर डन पर क्लिक कर देंगे। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर 1 अक्टूबर 2008 के अंदर सबसे ज्यादा लो यहां पर लगा हुआ था। तो ये हमारा मैक्स फियर जोन हो चुका है। तो हमने यहां पर 2008 के अंदर ये एंकर वीवीएफ सेट कर दिया है। तो आपको यहां पर पता होगा कि यहां पर 2020 के अंदर कोविड की वजह से एक क्रैश मार्केट में आया हुआ था एंड आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर प्राइस इस इंडिकेटर के पास आती है एंड यहां से ही बाउंस बैक कर जाती है। तो जैसा कि मैंने यहां पर पहले ही बोला था कि यहां पर इस एवरेज प्राइस को ब्रेक करना लगभग नामुमकिन होता है, तो हम यहां पर इसी का इस्तेमाल करके पोजिशनल ट्रेड लेने वाले हैं। तो यहां पर आपको 2020 के क्रैश के पहले यहां पर इस इंडिकेटर के बारे में पता होता तो आप यहां पर बहुत ही अच्छी रैली कैप्चर कर सकते थे। तो जैसा कि हमने 2008 के अंदर इस इंडिकेटर को सेट किया था, हम यहां पर उसी तरीके से यहां पर 2020 के अंदर भी इस इंडिकेटर को सेट कर देंगे। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर 2020 के अंदर 2 तारीख और मार्च महीने के अंदर सबसे ज्यादा यहां पर लो लगा हुआ था। तो हम यहाँ पर फिर से स्टडीज के अंदर आएंगे। स्टडीज में आने के बाद हमको यहाँ पर फिर से यहाँ पर इस इंडिकेटर को लगा देना है एंड यहाँ पर हमको डेट डाल देनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर 2020 सेट करना है। 2020 को सेट करने के बाद हमको यहाँ पर मार्च मंथ डाल देना है क्योंकि यहाँ पर मार्च महीने के अंदर सबसे ज्यादा यहाँ पर लो लगा हुआ था एंड हम यहाँ पर इसकी 1 तारीख डाल देते हैं और उसके बाद हमें यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जब भी प्राइस इस एंकर के पास आएगी तब यहाँ पर बहुत ही हाई चांसेस होंगे कि यहाँ पर से मार्केट फिर से रिवर्स हो जाएगा और जब भी प्राइस इस एंकर के पास आती है तब यहाँ पर आप अपना पोर्टफोलियो फुल कर सकते हो और इन फ्यूचर जब भी प्राइस इस एंकर के पास आती है तब यहाँ पर आपको सारे के सारे स्टॉक पाने के भाव में मिल जाएंगे, यानी कि आपको यहाँ पर बहुत ही सस्ते स्टॉक मिलने वाले है एंड अगर आपने इस मौके को पकड़ लिया तो आप यहाँ पर अपना पोर्टफोलियो डबल भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इस तरीके से इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे एंड जहां भी मैक्स फियर जोन बना होगा उसी जगह पर हम यहाँ पर इस इंडिकेटर को सेट कर देंगे। तो आई होप आपको यहाँ पर ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो पार्ट 1 के लिए इतना ही, तो जल्दी मिलेंगे पार्ट 2 के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।